ये और ये। तो ये है गाइस टोटल प्राइस इसकी, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। बर्नआउट पप्पू जी का पैटर्न, ये रोके सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल डिक्स व्हील्स। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस साल हम भी ज्वाइन करने वाले हैं IBW जो होने वाला है 8 और 9 दिसंबर को, जिसमें हम भी पालमपुर से हमारे ग्रुप के साथ हम ज्वाइन करने वाले हैं, जिसका नाम है, मतलब हाल ही में हमने हमारे ग्रुप का नाम भी हमने एक रख लिया है, नाम है सनराइडर्स पालमपुर। सो गाइस उसके लिए हमने पहले से थोड़ा प्रिपरेशन भी किया है और थोड़ा खर्चा भी हमने कर लिया है। सो आज हम बात करने वाले हैं, आज मतलब IBW राइड का ये पहला व्लॉग है। हम अलग अलग पार्ट में वो रोज का हम अलग अलग हम व्लॉग करने वाले हैं। सो आज है पहला पार्ट और उसमें हम बात करेंगे कि IBW के लिए हमने क्या क्या खर्चा किया है। सो उसमें है ये वाला मिस्ट्री बॉक्स जो हमने खर्चा किया है अभी तक IBW के लिए, जिसमें है ये और ये। इतने टाइम हम यूज कर रहे थे हमारे मोटो व्लॉगिंग के लिए ये वाला एक्शन कैमरा, इसने भी हमें बहुत साथ दिया है। लेकिन अभी हम IBW के लिए हमने ले लिया है ये सब व्लॉगर्स का फेवरेट चीज GoPro। सो सबसे बड़ा खर्चा है गाइस ये वाला, सबसे बड़ा खर्चा है ये वाला। फिर ये है, ये इसका एडाप्टर है, ये एक्स्ट्रा बैटरी और उसका चार्जर। ये है हेलमेट के लिए उसका माउंट, और ये है उसके लिए मेमोरी कार्ड। सो गाइस सबसे पहले मैं इसकी प्राइस में आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे बड़ा खर्चा है इसमें ये वाला हीरो GoPro 10 जो हमें मिला है 27,000 में। ये है उसका एडाप्टर, इसकी प्राइसिंग है 5,000। ये है उसका एक्स्ट्रा बैटरी दो, इसका प्राइस है 5,000। ये मोनो का माइक, इसका प्राइसिंग है 900 रुपये। ये है उसका प्लास्टिक केस और हेलमेट के लिए माउंट भी बोल सकते हैं, तो इसका भी प्राइस है अराउंड 1500। ये है सैंडिस का क्लास 3 64 GB का एक एक्सप्रेस स्पीड वाला एक्सप्रेस प्रो मेमोरी कार्ड, जिसका प्राइस है अराउंड 1000 रुपये। सो ये है गाइस टोटल प्राइस इसकी। अभी हम इसको डिटेल में हम बात करेंगे इसके बारे में और इसको अनबॉक्स करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम अनबॉक्स करेंगे हमारा सबका फेवरेट हीरो GoPro 10। तो थोड़ा पास आ जाओ। ये स्टिकर्स हमें मिलेगा इस GoPro के, और ये कैसे इसको यूज करना है वो सब मैनुअल है। ये हेलमेट में लगाने के लिए, ये उसका चार्जिंग केबल, ये सब हेलमेट में लगाने के लिए है। ये जो इसके साथ जो ओरिजिनल जो बैटरी मिलता है हमें वो है, एक बढ़िया क्वालिटी का बैटरी हमें मिला है इसके साथ। और ये है हमारा हीरो GoPro 10। सब बाइकर्स सब ब्लॉगर का एक सपना रहता है, मतलब कि कभी ना कभी हम ऑन करें अपना खुद का हीरो GoPro। सो मैं भी कब से मैं लेने का सोच रहा था। जो ये पुराना वाला जो था हमारा कैसन का जो एक्शन कैमरा, वो भी बढ़िया है उसका, मतलब इतने प्राइस में बहुत बढ़िया क्वालिटी भी देते हैं वो लोग। लेकिन इसका माइक का बहुत दिक्कत रह रहा है, तो वो सब से छुटकारा पाने के लिए हमने ले लिया है ये GoPro 10। हम गए GoPro लेते हैं तो उसके साथ ये सब लेना बहुत जरूरी होता है, उसके बिना हम GoPro यूज नहीं कर पाएंगे ठीक से। अगर आपको व्लॉगिंग करना है तो ये सब चीज आपको लेनी पड़ेगी। सो आपको माइक यूज करने के लिए एडाप्टर आपको लेना ही पड़ेगा। सो ये भी एक बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, जो इतना प्राइस है, पहले हमें लगा कि इतने का 5000 रुपया थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अभी सबसे बढ़िया बात है इसकी कि इसके साथ हमें मिलती है लाइफ टाइम वारंटी। जी हाँ गाइस, लाइफ टाइम वारंटी मिलती है हमें, तो फिर तो 5,000 देना बनता है गाइस। ये है प्लास्टिक केस, ये भी एक बहुत बढ़िया क्वालिटी का, इसमें GoPro लगा के आपका जो एडाप्टर है वो इसमें आ जाएगा यहाँ पे। अभी बारी आती है इसकी, GoPro के साथ हमें एक ही बैटरी मिलता है। सो कि अभी लॉन्ग रूट पे हम जाएंगे तो ज्यादा बैटरी की हमें जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हमने मंगवा ली है ये वाली दो बैटरीज, और उसके साथ चार्जिंग बॉक्स भी आएगा।
इसका भी क्वालिटी बहुत बढ़िया है गाइस। ये हमें बैटरी मिलता है जो इसका ओरिजिनल बैटरी है, उसके साथ हम कंपेयर करेंगे इसको। ये वाला ओरिजिनल GoPro का बैटरी है और ये हमने जो मंगवाया है वो बैटरी है। और ये इसका चार्जिंग बॉक्स है, हम एक साथ 3 बैटरीज हम इसमें चार्ज कर पाएंगे। और ये हमने मंगवा लिया है मेमोरी कार्ड, वो मैं अनबॉक्स नहीं कर रहा अभी, वो कॉमन सी चीज़ है। और सबसे बेस्ट चीज़ है इसमें और एक रिजनेबल प्राइस में एक अच्छा सा माइक, सो हमने बोनो का माइक भी हमने मंगवा लिया है। तो गाइस अभी इतना खर्चा हमने कर लिया है और इतनी चीज़ें हमने मंगवा ली है जो हमारी IBW राइड के लिए हमें मतलब ज़रूरत थी मंगवाने की। अभी और भी चीज़ें आ रही है, हमने ऑनलाइन ऑर्डर की है लेकिन अभी तक हमें डिलीवर नहीं हुई है। उसमें सीट है और मेनली बाइक के दोनों टायर्स भी हमने मंगवाए हैं, वो अगर मैं 6 तारीख को यहाँ से निकलने वाला हूँ, सो अभी 6 तारीख के पहले अगर वो मुझे डिलीवर हो गए तो मैं टायर भी मैं चेंज करवा लूँगा। अगर टाइम रहा तो मैं आपके साथ वो भी मैं इंस्टॉलेशन का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और पीछे का टायर अगर मुझे 6 तारीख से पहले डिलीवर हो गया तो जैसे कि हर हमारे बाइकर्स में एक रसम रहता है कि पीछे का टायर हम जब भी चेंज करवाते हैं तो उससे पहले हम करते हैं बर्न आउट, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा बर्न आउट। हमने बुझा के दोनों टायर हमने ऑनलाइन मंगवाए थे लेकिन उसमें से आगे का टायर अभी हमें डिलीवर हो चुका है, लेकिन पीछे वाला टायर 7 तारीख को डिलीवर होने वाला है लेकिन हम जा रहे हैं 6 तारीख को गोवा, सो वो हमने ऑर्डर कैंसिल करवा लिया है। और अहमदाबाद अभी मैं बाइक रख के आया हूँ सर्विस के लिए, तो अहमदाबाद से लोकल शॉप से हमने सेम ब्रांड का हमने टायर पीछे का ले लिया है और वहां पे अभी हम आगे का टायर हम वहां पे बाइक कुरियर हम भिजवाएंगे। और वहां पे अपना फ्रेंड ही है जो जहाँ पे हमने काम करवाने के लिए सर्विस करवाने के लिए बाइक रखी है, तो वो वहां से पीछे का टायर लेके उसमें इंस्टॉल कर देगा। तो अभी देखते हैं बर्न आउट वाला अगर सेट होता है तो हम करेंगे, नहीं तो फिर पुराना वाला टायर फिर से हम लगाएंगे। लेकिन आपको बर्न आउट जरूर दिखाएंगे नेक्स्ट स्टूडियो में, शायद नेक्स्ट या उसके बाद, लेकिन दिखाएंगे जरूर। तो फिलहाल हम आगे का टायर हम देखते हैं कैसा है, उसका क्वालिटी क्या है, तो चलो आ जाओ। तो गाइस हमने वेडेस्टेन ब्रांड का हमने टायर मंगवाया है जो कि एपोलो जो ब्रांड है उसका एक मतलब वर्जन है, तो देखते हैं कैसा है क्वालिटी। अगर ये है अपनी गुजा का आगे का टायर और ये है वीरो की गुजा का टायर, इसको हम साइड में रखते हैं। क्वालिटी देखो गाइस बहुत बढ़िया क्वालिटी है इसकी। तो गाइस अपनी गुजा पे 120/70 ZR17 का टायर लगता है, तो ये है आगे का टायर। One day later. तो गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं गोवा के लिए, मतलब अभी गाड़ी में है, अभी आज डेट हो रहा है 5 तारीख, कल सुबह 6 तारीख को हम अहमदाबाद से बाइक लेके हम निकलने वाले हैं गोवा के लिए। सो अभी पालमपुर से अहमदाबाद गाड़ी में हम जा रहे हैं, मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स लोग भी आ रहे हैं मुझे छोड़ने के लिए। और आज रात को हम जहाँ पे हमने सर्विस के लिए रखा था भाई वहाँ से हम कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद वहाँ पे होटल पे रुकेंगे और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग पालमपुर वाले हमारे फ्रेंड्स जो हमारे राइडर्स जो साथ आने वाले वो लोग आएंगे अहमदाबाद और वहाँ से हम उनको ज्वाइन करेंगे और जाएंगे सीधा गोवा। तो गाइस गोवा इज ऑन फाइनली, अभी निकल चुके हैं गोवा के लिए, सो मिलते हैं, देखते हैं आराम से जाके आ जाए, नहीं तो फिर कुछ दिक्कत हुई तो बापू नी एक पैटर्न। तो गाइस आई होप कि आराम से ये कुछ बोलना चाहते हैं ना भाई एक साथ बापू नी एक पैटर्न ये रोके रोके। तो गाइस आई होप कि कुछ प्रॉब्लम ना हो और आराम से हम जाके आ जाए। नहीं कौन आ रहा है वो सबको बताओ। और अभी हम आज का व्लॉग मतलब पार्ट वन अभी हम स्टॉप कर रहे हैं यहाँ पे, ये लोग अपना नाम बुलवाना चाहते लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। हमें नहीं बोलना है नाम बाबू ने कैसे पैटर्न गाइस इंस्टाग्राम डू सो अभी वो सुना मत इग्नोर करो, चेक आउट माय वॉच बी। तो गाइस अभी ये वाला पार्ट यहाँ पे हम स्टॉप कर रहे हैं, कल सुबह हम निकलेंगे
गोवा के लिए। सो वहां से हमारा डे वन का यानी कि पार्ट टू स्टार्ट होगा वहां से। और आज रात को हम बाइक लेके सर्विस किया है, दोनों टायर्स हमने चेंज किए हैं और रात को हम थोड़ा बाइक भी मतलब थोड़ा टेस्टिंग करेंगे, 20 या 30 किलोमीटर हम चलाएंगे। सो उसका भी थोड़ा बहुत मैं आपको वीडियो के बाद में थोड़े बहुत में शॉर्ट्स में डाल देता हूँ। वुजा का साउंड कैसा है? बूम पट यानी बैक फायर। सर्विस हो गई है, टोटल बॉडी क्लीन है, तो बूम पट होगा ज्यादा, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, बैक फायर। और वो पटाखे, वो बहुत सारे पटाखे फूटने वाले आज अहमदाबाद में। बूमपट बूमपट भी मैं अहमदाबाद के शॉर्ट्स डाल रहा हूँ, एंजॉय कीजिए। सो गाइस मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद।